प्रथम तहलका न्यूज। शक्ति और आराधना का पर्व नवरात्रि का आगाज हो चुका है। आज यानी 17 अक्टूबर को नवरात्रि पर्व का प्रथम दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा शक्ति के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन जहाँ प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की रौनक देखने को मिली, तो वहीं झज्जर के विश्व प्रसिद्ध बेरी के माँ भीमेश्वरी देवी मेले को कोरोना की नजर लग गई। इस बार भी जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते मेले को न लगने देने का फैसला लिया है। श्रद्धालु इस बार घर बैठकर ही माँ भीमेश्वरी देवी के फेसबुक लाइव पर माँ के दर्शन कर सकते हैं। प्रशासन ने आज नवरात्र का पहला दिन था, लेकिन बेरी के माँ भीमेश्वरी देवी मंदिर काफी सूना सूना नजर आया। जी माता, जैसे माता का विधि विधान से पहले पूजा पाठ किया जाता था, वैसे ही माता का पूजा पाठ निरंतर चल रहा है। जो आने जाने की परंपरा है वो भी पहले की तरह पूर्ण रूप से निभाई जा रही है। माता के ये शारदीय नवरात्रि हैं, आज से उनका आज से उनकी शुरुआत हुई है। हम माता से सभी भक्तों की तरफ से मनोकामना मांगते हैं कि सभी को स्वस्थ रखे और सबको खुशहाल रखे जाए। वही आदेश तो सबके यही है, भी बंद ही रहेगा। कोई टोकन सिस्टम करे साहब ने, SDM जिस साहब ने, भाई टोकन के अनुसार कुछ डिस्टेंस है, कोई दो चार मतलब दर्शन करके निकल जाओ, प्रसाद प्रसाद नहीं देना, बस यही है मेन। टोकन का क्या आधार रहेगा? टोकन ये कोई बाहर से कोई आ जाते हैं तो टोकन देते हैं, भाई इसका नाम लिख देते हैं, उनके लिखा हुआ है कितने साथ हैं, वो नीचे लिखते हैं, भाई इतने व्यक्ति हैं साथ, और वो भी 5 आदमी ही जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 आदमी भी अलग अलग डिस्टेंस हो गए। टोकन कौन अलाउ करेगा यहाँ पे, पुलिस अलाउ करेगी या ड्यूटी ना? SDM साहब ने लिखा हुआ है, कल बात हुई थी, शाम को ही बात हुई है, शायद कल रविवार आज टोकन सिस्टम भेजा तो है DIO साहब ने। तो वही फरीदाबाद के महारानी वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर में काफी एहतियात बरती गई, जिसके चलते एक निश्चित दूरी पर श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। इसके अलावा श्रद्धालु जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो सब सैनिटाइज करके और फिर बाहर निकलने पर ही श्रद्धालुओं को वापस दिया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर के घंटों को कपड़ों से बांध दिया गया है, जिससे सभी लोग इसे हाथ ना लगाएं। वो बच्चे को करीबन कोई 5-6 घंटे बाद निकाला, वो बोलता मेरे को अंदर एक लाल कपड़े में बैठी थी माँ, उसने मेरे को अपने गोदी में उठा रखा था। वो बच्चा बाहर निकलने के बाद, आज बच्चा बड़ा हो चुका है, बुजुर्ग है, यहाँ पर है फरीदाबाद, उसका मेरे को पता नहीं क्यों मेरे बुजुर्ग बताते हैं। उसी दिन हमारे जो मुकंद लाल जी हैं, नरूला जी हैं, हरनाम दास जी थे, किशन लाल जी थे, गिरा जी, अपना किशन लाल जी, उन्होंने यहाँ पर फिर अपना एक मूर्ति रख के, फोटो रख के चौकी जागरण शुरू किया, उसके बाद ये मंदिर की स्थापना की गई। कोरोना काल चल रहा है, आमतौर पर मंदिर पूरी तरह से बंद थे, किस तरह के इंतजाम आपने लोगों के लिए किए हैं कि लोग आए अपनी आस्था को तो पूरी करें लेकिन खुद को भी सुरक्षित रखें? इससे पहले मैं एक बार आपको और बताऊंगा, ये महारानी जी मूर्ति स्थापित की गई है, ये एक मुस्लिम परिवार ने की थी, जो फंटा कंपनी का मालिक था, डायरेक्टर था उसमें, उन्होंने ये मूर्ति स्थापित की थी और ये 26 फरवरी को हुई थी। ये धार्मिक सद्भाव का एक बड़ा, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर हर धार्मिक के लोग आते हैं, आप दोपहर को भी आओ, मुस्लिम भाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर। कोरोना काल में हमारे महारानी वैष्णो देवी मंदिर में 25 मार्च को मंदिर बंद हुआ था। तो कुल मिलाकर प्रथम नवरात्र के दिन कहीं भक्तों की रौनक देखने को मिली तो कहीं कोरोना काल के चलते मंदिर सूने सूने नजर आए। हम तो देवी माँ से यही कामना करते हैं कि अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरी करे। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना और फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।